होशियारपुर के जलंधर रोड पर बर्गर किंग में काम करने वाले 35 वर्षीय नौजवान मुनीष डडवाल का शव दसूहा नजदीक पावर हाउस नंबर 5 से नहर में तैरता हुआ मिला। मृतक ने मरने से पहले परिवार को एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ा, जिसमें उसने माफी मांगते हुए यह कहा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, साथ में लोकेशन भी सेंड की, जिसके बाद परिवार ने तलाश शुरू की और सुबह मनीष का शव नहर से बरामद हुआ। मनीष की पत्नी निधि डडवाल के मुताबिक उसके पति को पिछले कुछ महीनों से परेशान किया जा रहा था और उन पर झूठे आरोप लगाकर पैसे के गमन में फंसाया गया। वहीं मृतक के भाई के मुताबिक भाई मनीष को 3 महीने पहले पैसों के चक्कर में फंसाया गया था, जिसके चलते वो परेशान था और उसने यह कदम उठाया। दसूहा पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी निधि के बयानों के आधार पर बलराम कांडा और भूपिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पोस्टमार्टम के बाद दोषियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, झूठा होने पर इल्जाम लगाया उन्हें। किसने लगाया? सर, कंपनी वालों ने। कौन सी कंपनी ने काम किया? बर्गर की। क्या इल्जाम लगाया? कैसे कि आपने कंपनी का फ्रॉड किया, पैसा निकाला, ये किया, वो किया। वो कह रहे मैंने ये कुछ भी नहीं किया। तो रात को वो उठा के, 14 की रात को वो उठा के ले गए उसको। मेरे को कुछ नहीं बताया, जो लोग आए थे उठाने के लिए उसको उठा के ले गए। तो उसके बाद उसको वहाँ लेके रख लिया, रात को पूरी रात रखा। फिर उसको क्या किया वो कुछ नहीं पता। बाद में जैसे उसने उसको फ़ोन दिया, भाइयों को उसने कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे, तो भाई आए तो उसके साथ उन्होंने रात को फिजिकल टॉर्चर किया था। तो उससे बात को मनवा लिया था, हाँ तूने ये सब कुछ किया है। इस वजह से वो टेंशन में था कि उसने फिर भी बात मान ली, चलो कोई नहीं है, देखते क्या होता। भाइयों ने चेक भी लगाए, सब कुछ किया, उसको शाम को छुड़वा के ले आए। तो उन्होंने 26 तारीख को ये अखबार में दे दिया लिख के कि हाँ तूने ये सब कुछ किया। सर, उसने पहले क्यों नहीं किया, ये FIR क्यों नहीं की पहले? पहले कर देते तो बंदे को पता तो चल जाता कि हाँ इसने ये किया वो किया। पर वो बंदा बोलता था मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को फंसाया गया है, कंपनी के बंदों ने मेरे को फंसाया है। लास्ट मोमेंट पे आपकी क्या बात है? लास्ट मोमेंट में उसने बोला कि मैं घर पे जा रहा हूँ, तो मैं घर से जो कपड़े जो भी मंगवाया है तूने घर से वो मैं लेके आता हूँ, और कुछ भी नहीं बोला उसने। आपको कैसे पता लगा कि उसने सुसाइड कर लिया? आपको कैसे जानकारी मिली? उन्होंने मैसेज किया भैया के नंबर पे, भैया ने नहीं देखा उस मैसेज को। उसके बाद एक फ्रेंड को मैसेज किया, उसने भी नहीं देखा। फिर एंड मोमेंट उसके बाद उन्होंने बुआ जी को मैसेज किया, तो उस पर लाइव लोकेशन वहाँ की भेज दी कि हाँ ऐसे मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं रही, तो मेरे को माफ़ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मांग करते? जी क्या मांग करते? क्या मांग करते? मेरे को बस इंसाफ चाहिए कि हाँ उसने गलत किया नहीं, फिर भी उसको फंसाया गया इस बात में कि हाँ तूने ये चीज़ की है, कि मैं अब बच्चे को लेके कैसे करूँ अपना, के छोटा सा बच्चा है, कैसे कुछ करूं अपना। वो मेरे हिसाब से मेंटली तौर पे वो बहुत डिप्रेस था, क्योंकि कंपनी ने उस पर एक एलिगेशन लगाया था कि पैसे नहीं दिए। वो जब वो जॉब कर भी रहा था 2-2.5 महीने पहले, तभी वो मेरे को बोल रहा था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं उसे बोल रहा था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कभी कह यानी कि अभी और जॉब नहीं मिलेगी, दिक्कत होगी, तो कैसे भी करके अपना टाइम निकालो, जो भी है मैरिड हो, वाइफ वगैरह सबको देखना। तो अभी उस पर एलिगेशन लगा दिया, जॉब चली गई, फिर वो उस पर FIR भी हो गई। तो इसलिए वो थोड़ा मेंटली तौर पे ज़्यादा डिप्रेस था। उसके मैनेजर वगैरह उसको फ़ोन करते थे सब, वो उनको बोलते थे कि आपको हम जेल करवा देंगे और सज़ा दिलाएंगे, इसलिए सर वो थोड़ा डिप्रेस है। क्या मांग सर? इंसाफ चाहिए हमें, जो भी है हमारा बंदा जिसके कारण मेरे भाई की डेथ हुई है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन इन्वॉल्व था उसमें? सर इनके जो सीनियर मैनेजर हैं, जो साथ के मैनेजर हैं, इन्वॉल्व हैं। क्या क्या नाम है? एक बलराम केंडा करके नाम है सर, वो उनके सीनियर मैनेजर थे, एरिया मैनेजर हैं बर्गर किंग के, वो इन्वॉल्व थे। उनके नाम से उन्होंने ही FIR करवाई थी इसके नाम अगेंस्ट जो पहले। दूसरा
दूसरे सर और साथ में जो जॉब करते थे वो थे जी। नौजवान बोलो आत्महत्या की ये पूरा मामला कौन है नौजवान और क्यों? ये मनीष डलवाल है जी, पिंड डलवाल है, बर्गर किंग हुशियारपुर लगे से है, तो उत्थे मुकदमा दर्ज हो 408 का हुशियारपुर मॉडल टाउन थाने। हूँ जेडे पत्नी ने बयान लगाया वो हैगा बलराम कंडा, तो सैप्ट मैनेजर भुपिंदर सिंह के खिलाफ बयान लगाया भी इन तंग परेशान करते वो करके इन्हें साल मारी नहर मुकदमा 306 मुकदमा दर्ज हो पहले पोस्टमार्टम कराऊंगे उस तो बाद गिरफ्तारी कराऊंगे, पहले डेड बॉडी हवाले कर दी है।